नमस्कार। टून चैनल वालों खबर के इस बुलेटिन विच आप जी का स्वागत। पहला इस बुलेटिन दियां चुनवीं खबर। ब्लड बैंक विखे मुफ्त कैंसर चैकअप कैंप का आयोजन। 270 मील की विद्यार्थी संकल्प यात्रा 9 अगस्त तो। एससी एससी एसटी एक्ट संबंधी नवा सौदा बिल लोकसभा ने किया पास। आंगनवाड़ी वर्कर का संघर्ष रंग लिया। कन्या भ्रूण हत्या रोकने लई पास है PNBT एक्ट। 15 अगस्त की तैयारी संबंधी मीटिंग। हुण खबर विस्तार। ब्लड बैंक हरगोबिंद नगर फगवाड़ा विखे मुफ्त कैंसर चैकअप और रोकथाम कैंप का आयोजन। वर्ल्ड कैंसर चैरिटेबल सुसायटी मक्खण सिंह जौल जगत जट्टा ने सहयोग में लगाया गया, जिस विच कैंसर के मरीजों का मुफ्त चैकअप और स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों लिए जागरूकता भरपूर जानकारियां माहर डॉक्टर वालों दित्तियां गईयां। इस कैंप की सफलता लिए सरदार मलकीत सिंह रंगोत्रा ने समूह शहर वासियों डॉक्टर कॉलेज स्कूलों का विशेष तौर पर धन्यवाद किया। पेश है इसकी एक रिपोर्ट। जी रंगोत्रा साहब, अज का जोड़ा वर्ल्ड कैंसर केयर जोड़ा तुम्हें लगया है, ये किन्ने मरीजों का अज का जोड़ा है डे है तो भी किन्ने मरीज? पहला तो मैं दसना चाहूँगा जी, अज कैंसर जांच जागरूकता कैंप का आयोजन किया जा रहा है स्थानक ब्लड बैंक विखे। ये कैंप हर 6 महीनों बाद वर्ल्ड कैंसर केयर सोसायटी UK के सहयोग न आयोजित किया जाता है। इस कैंप में सरदार मक्खण सिंह जौल जो जगतपुर जट्टा के वसनीक हैं UK रहते हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया है। इस कैंप के दो चीज़ों पर जोर दिता जाता है, पहला जांच जागरूकता। जागरूकता के लिए लोगों को एजुकेट किया जाता है, एजुकेट करते हैं जिसे लिटरेचर दिता जाता उस ही एक बस के फिट किया हुआ प्रोजेक्टर वो राही फिल्मा दिखा के किस तरीके इस रोग तो बचा जाता है उस बारे लोगों को जानकारी दी जाती है। बाकी तीन बसा के बीच वख वख तरह के टेस्ट करके टेस्ट करने तो बाद लोगों उन्होंने कैंसर है या नहीं वो जांच दसी जाती है। तो ये कैंप जोड़ा है इस कैंप के जो अब सवेर तो चल रहा है, इस कैंप के लोगों का काफ़ी उत्साह है। दो परपज जांच जागरूकता दोनों अचीव करने लिए सारे भरपूर उपराले किए जा रहे हैं और लोग अपने पूरा सहयोग दे रहे हैं। देखने से आ रहा है कि पहला लोगों असी आप घर जाके सदते थे पर हूँ लोग इस रोग तो जागरूक हो रहे हैं। कारण यह है कि पंजाब इस रोग की राजधानी बनता जा रहा है, भाव बहुत सारे लोग इस पीड़ित होंगे जा रहे हैं, उन्होंने यह एहसास हो गया कि इसकी जानकारी इस जांच के नाल ही पंजाब इस रोग तो मुक्त हो सकता है, इस करके लोग इस कैंप नाल जुड़ते जा रहे हैं। कि मरीजों को दवाई वगैरह की व्यवस्था भी तुहाडे वल्लों कीती गई है? इस कैंप के मरीज जिहड़े जनरल चैकअप कराते हैं, वो मरीज जिन्हों का ब्लड प्रेशर चैकअप किया जाता है, वो लोग जिन्होंने शुगर है उन्हां मरीजों को इस कैंप के दवाइया मुफ्त दित्तियां जांदियां हन और इस दे नाल नाल ही चंगा जीवन जीण दे लई कीड़ी शैली बनानी चाहिए है उस बारे भी आम लोगों को दसिया जाता है। लव पंजाब विद्यार्थी सभा वालों विद्यार्थी संकल्प यात्रा के बैनर अधीन 9 अगस्त को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तक 270 मील के पैदल मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिस विद्यार्थी विद्या का हक बचाने लिए लाभमंद हो रहे हैं। क्यों जो देश इस वक्त पंजाब की जवानी घोर निराशा के आलम में डुबी है, नशिया से लड़ लग रही है जां बाहरले मुल्कां नूं उडारी मार रही है अते उन्हां नूं संघर्ष तो बिना कोई राह नहीं दिसदा। इसलिए नवा पंजाब विद्यार्थी सभा ने समूह इंसाफ पसंद लोगों नूं अपील की है कि इस पैदल मार्च में भरमा हुंगारा दे के उन्हां दा साथ देण। भारत की सर्वउच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट वल्लों 20 मार्च नूं अपने एक फैसले में एससी एसटी एक्ट अधीन आउंदिआं कुछ सख्त धाराओं नूं हटा दिता गया सी, जिसका कुछ राजनीतिक पार्टियां अते संगठनां ने विरोध किया सी। पर हुण एक बार फिर बीते सोमवार लोकसभा ने उन्हां धाराओं नूं मुड़ तों लागू करदिआं एक नवा सौदा बिल पास कर दिता है, जिस विच मुड़ तों दलितां विरुद्ध अत्याचार के मामले दर्ज करन लई पुलिस नूं किसी आग्या की लोड़ नहीं होगी। FIR दर्ज करने तो पहला
ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ FIR ਦਰਜ ਲਈ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪੜ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਸਵਰਨਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ UK ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਰਬਾਰ ਦੋਖੰਡਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਦਿਰ ਮੋਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਰਾਜ ਮਹਿੰਦੀ, ਨੀਲਮ ਠੱਕਰਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KBS ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ PNDT ਐਕਟ 1994 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ SMO ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ PNDT ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਵੰਸ ਲਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਗੋਪੀ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਪੱਟੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੇਰੈਂਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ SDM ਫਗਵਾੜਾ ਮੇਜਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਮੁੱਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SDM ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ PD ਸ਼ੋਅ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।